गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे मोलरता और मोलल्ता। ये जो टॉपिक है ये अपने कल लास्ट में जो टॉपिक किए थे, दो टॉपिक अपने ने कर लिए थे, द्रव्यमान प्रतिशत और मोल भिन्न। उसके बाद आगे वाला टॉपिक है तीसरा टॉपिक मोलरता। तो देखो, सबसे पहले ये जो मोलरता है इसको मैं प्रदर्शित करूंगा बड़े एम से, कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी अगर परिभाषा की बात करता हूं मैं, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद अपने इसके कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, फिर इसको अच्छे से समझेंगे कि मोलरता होती क्या है। तो देखो, इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी परिभाषा है, एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो देखो, अभी अपने पास जो परिभाषा क्या है, एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो देखो, विलयन कितना लिया अपनों ने, एक लीटर, और उसमें क्या घोलने हैं, विलेय के मोलों की संख्या काउंट करनी है आपने। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो देखो, अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो बड़ा एम बराबर क्या आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और किस में बताया मैंने, लीटर में। किस में लेंगे अपने, लीटर में लेंगे। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, और वो किस में लेंगे अपने, लीटर में। तो अगर देखो, अगर मैं विलयन का आयतन ml में लेता हूं तब मेरे को यहां पे कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, देखो फॉर्मूला अपने यही लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, किसमें लूं मैं अगर, ml में। तो यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखो आपको ये पता होना चाहिए, एक लीटर बराबर 1000 ml होता है। क्या होता है, एक लीटर बराबर 1000 ml। तो यहां पे पहले लीटर था, अब मैंने यहां पे क्या लगाना है, ml लगाना है। तो देखो, एक ml बराबर कितना हो जाएगा, एक बटा 1000 liter। यहीं से बनाया ये फॉर्मूला, तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, इसके बटा में 1000 लिख दूं, तो वो जो नीचे वाला जो 1000 होगा वो ऊपर आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है ना, आपको पता है, अच्छे से आता है आपको। तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन किस में लेंगे अपने, ml में। अगर ml में लेते हैं तो इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और वो क्यों करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा, क्लियर। तो दोबारा से देख लो फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन अगर लीटर में लेते हैं तो किसी भी वैल्यू से गुणा नहीं करते, और अगर अपने क्या लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन ml में लेते हैं तो इसको किससे गुणा करते हैं अपने, 1000 से गुणा करते हैं, क्लियर। देखो, तो एक लीटर बराबर 1000 ml, और एक ml यहां से एक ml करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक के बटा में आ जाएगा, एक बटा 1000 लीटर। ये छोटा सा फॉर्मूला। अब आपको यहां पर देखो,
इतना बड़ा बड़ा इतने बड़े जो लैंग्वेज वाले फॉर्मूले हैं वो अपने नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो अपने कल जो भी लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इसमें मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पर जो विलायक होता है उसको तो ए मान रहा हूँ और विलय को बी घटक ले रहा हूँ। ए और बी दो घटक है, ए को मैंने क्या माना विलायक और बी को मैंने क्या माना विलय माना। तो यहाँ पर क्या है विलय के मोलों की संख्या। तो देखो मोल जो होते हैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विलय के मोलों की संख्या तो उसको किससे दर्शाऊंगा, विलय के मोलों की संख्या इसको मैं दर्शाऊंगा एन से। किससे दर्शाऊंगा एन, एन होता है मोल और यहां पर किसके विलय के मोल लिए तो मैं यहां पर निशान लगा दूंगा किसका एन बी। और विलयन का जो आयतन है टोटल विलयन होगा उसका आयतन लेता हूं मैं वी में, विलयन का आयतन इसको अपने किस में रिप्रेजेंट करेंगे वी में। तो यहां से अपने फॉर्मूला बनाते हैं, छोटा फॉर्मूला बनाते हैं शॉर्ट। एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को किससे दर्शा रहे हैं एन बी से, एन बी बटा में विलयन का आयतन और उसे किस में दर्शा रहे हैं वी में। और यहां पर किस में लेते हैं एम एल में इंटू क्या लगा दूं मैं हजार। अब देखो मोल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोल बराबर भार बटा परमाणु भार, परमाणु भार, भार या इसको द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, भार या द्रव्यमान बटा परमाणु भार। तो देखो यहां पर मोल मैंने किसके लिए हैं, किसके मोल लिए हैं विलय के मोल। तो यहां पे एन बी बराबर जो भार या द्रव्यमान होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं W से, किसे रिप्रेजेंट करता हूं W से, ठीक है। और यहां पर जो परमाणु भार होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बड़े M से। ये M और ये M अलग अलग है ध्यान रखना, ये तो मोलरता है और यहां पर मोलिकुलर वेट है, ये मतलब परमाणु भार जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपने मोलिकुलर वेट बोलते हैं, क्लियर। तो देखो यहां पर किसके मोल लिए हैं मैंने बी, तो भार भी किसका लेंगे अपने विलय का भार। और जब बी के मोल लिए बी के फॉर्मूला लिख रहे हैं अपने तो यहां पे लिख दूंगा मैं एम बी। तो डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी बराबर डब्ल्यू बी है यहां पे यहीं लिख लेते हैं अपने विलय का द्रव्यमान, यहां आएगा नहीं, डब्ल्यू बी बराबर क्या चीज है विलय का द्रव्यमान। और एम बी क्या है यहां पर विलय का परमाणु भार, क्या है यहां पर विलय का परमाणु भार है। तो देखो अब ये फॉर्मूला एन बी का इसमें रख दूं तो ये आप नोट कर लेना, मैं यहां से साफ कर रहा हूं इसको। तो यहां पर एन बी का फॉर्मूला क्या आया था एम बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू वी इंटू हजार और वी को मैंने किस में लिया है एम एल में। तो आपको जब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से अपने किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहां ध्यान रखना और ये जो फॉर्मूला है ये अपने 12th क्लास में भी यूज होगा और जहां जहां पर अपने जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे सब जगह ये फॉर्मूला यूज होता है, क्लियर। तो मोल इसका फॉर्मूला याद रखना भार बटा परमाणु भार, तो यहां पे एन बी की जगह मैंने लिख दिया डब्ल्यू बी बटा में एम बी। ये छोटा सा टॉपिक था एक मोलरता। इसमें एक थोड़ी सी अलग एक्स्ट्रा बात समझाता हूं मैं आपको कि आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि अर्थ क्या है। इसकी परिभाषा लिखी मैंने, एक लीटर विलयन में
घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, या आपको जहाँ पर भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है और आपको कैसे मिलेगा ये। मान लिया 1 एम NaCl लिखा है, ये जो M है इसको मैं किससे दर्शाता हूँ, मोलरता से। अब इसका मतलब पता होना चाहिए आपको 1 एम NaCl। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, पहले NaCl का अपने अणुभार निकालते हैं, और NaCl का अणुभार निकालना आपको अच्छे से आता है। कितना हो जाएगा 23 + 35.5 बराबर कितना हो जाएगा 58.5, कितना हो जाएगा 58.5। तो देखो अब ये कहता है आपको, ये पता है एक मोल NaCl बराबर कितना हो जाएगा 58.5, क्या लगा देंगे अपने ग्राम लगा देंगे, 58.5 ग्राम हो जाएगा एक मोल NaCl बराबर 58.5 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो मोलरता की दोबारा से परिभाषा की बात कर अगर अपने करें तो वो ये था, एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक मोल घुला हुआ है, एक मोल घुला हुआ है, और कितने विलयन में, एक लीटर में, एक लीटर विलयन में। अब इसका मतलब ये हुआ एक मोल कितना 58.5 ग्राम, कितना 58.5 ग्राम जो NaCl जो नमक होता है वो घुला हुआ है किसमें, एक लीटर विलयन, और विलयन अपने पानी का मान सकते हैं, पानी और नमक से बना हुआ जो विलयन है, तो विलेय का क्या है इसमें पानी। तो विलयन का आयतन कितना है एक लीटर, और विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं एक मोल घुला हुआ है, और एक मोल का मतलब कितना है 58.5 ग्राम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि 3 MnaCl, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये है 58.5 ग्राम एक मोल के बराबर होता है, किसके मोल बराबर होता है एक मोल के। तो अगर मैं 58.5 को अब यहाँ पे 3m लिख दिया, 3m लिख दिया तो कितने मोल बनाएंगे अपने, तीन मोल एक लीटर में घुला हुआ है, क्लियर। तीन मोल का मतलब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 58.5 को अपने तीन से गुना करते हैं, 5, 1, 8, 24 और 1, 25, 2, 5, 15 और 2, 17, और यहाँ पे लगा देंगे अपने ये पॉइंट। तो अब ये है तीन मोल का मतलब क्या हुआ, तीन मोल NaCl का मतलब हो गया कि 175.5 ग्राम क्या NaCl घुला हुआ है किसमें, एक लीटर विलयन में। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए 1m क्या होता है, 3m क्या होता है, क्लियर। ये अपनी छोटा सा टॉपिक था मोलरता। उसके बाद अपने बात करते हैं इस जैसा ही एक टॉपिक और है, और वो है मोललता। थोड़ा सा नाम में फर्क है, थोड़ा सा प्रतीक में भी फर्क है। आप बुक में अगर पढ़ोगे तो आपको इतना नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से अपने वीडियो से नोट करना, अपने नोट्स बनाना अच्छे से। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मोललता। इसको मैं दर्शाता हूँ छोटे m से, किससे दर्शाता हूँ मैं, छोटे m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है एक किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को m कहते हैं, को m कहते हैं। मतलब क्या है, एक किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या का तो छोटा m, छोटा m का मतलब मोललता कहते हैं। और पहले जो अपनों ने बात की थी उसमें अपने ये लिया था एक लीटर विलयन। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको हमेशा ही। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या लिखूँगा, विलेय के मोलों की संख्या
मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का द्रव्यमान और कितना केजी में। तो यहां पर लिया है मैंने विलायक का द्रव्यमान। और अगर मैं बात करता हूं मोलरता की बड़े एम की, तो ये तो सेम था विलय के मोलों की संख्या, और यहां पे लिया था विलयन का आयतन, बस इतना सा फर्क रहेगा, बाकी सब कुछ क्या चलेगा, सेम चलेगा। अगर फिर वही बात कि आपको ये पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहां वहां पर लीटर लिया था और लीटर को बदला था मैंने किसमें, ml में, और यहां पे मैंने क्या लिया है, किलोग्राम लिया है, किलोग्राम को मैं बदलूंगा ग्राम में, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो यहां पर मैं यहीं पे इसी फॉर्मूले में लिख रहा हूं, मैं अगर मैं इसको किस में बदल लूं, ग्राम में बदल लेता हूं, तो यहां पर मैंने क्या लगाना है, बट्टा में 1000 लगाऊं, और बट्टा वाला 1000 जो है वो कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्लियर। तो ये भी फॉर्मूला है, एम विलय के मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का द्रव्यमान, और किस में लेंगे, ग्राम में, और गुणा किससे करेंगे, 1000 से। अब आ जाओ वापिस आप, अगर एम विलय के मोलों की संख्या को जैसे पहले चल रहा था बिल्कुल वैसे के वैसा चलेगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं वापिस बात करते हैं, जो विलायक होता है उसको ए से दर्शाऊं और जो विलय होता है उसको बी से दर्शाऊं, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एम बराबर फॉर्मूला बनेगा विलय के मोलों की संख्या को थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किससे रिप्रेजेंट करता है, एन, और किसका है, विलय के मोल है तो किससे दर्शाऊंगा, बी से, बट्टा में, यहां पर विलायक का द्रव्यमान आ गया और मोलरता में था विलयन का आयतन, तो वहां पे लिया था वी, अब द्रव्यमान आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डब्ल्यू से, और किसका है, विलायक का, तो विलायक का द्रव्यमान मैं लिखूंगा ए, और ग्राम, और किससे गुणा कर दूंगा, 1000 से। अब आपको पता है कि एन बी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, एन बी का फॉर्मूला लिखा था एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटा में एम बी, मतलब मोल का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, भार या द्रव्यमान बटा परमाणु भार, और किसके लिए, बी के, बी क्या है यहाँ पर, विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान और विलेय का परमाणु भार, ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ इसमें फिट कर देता हूँ तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बटा में एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और इंटू क्या लगा देंगे अपने 1000, और इसको अपनों ने किस में लेना है, ग्राम में, ये फॉर्मूला आ गया मोललता का। अब एक बार मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ उस फॉर्मूले से जो अपनों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कैपिटल एम का बड़े एम का फॉर्मूला, और वो क्या था याद है तो आपको, वो था एम, और एम को किससे दर्शाते हैं, एम का नाम क्या होता है, मोलरता, और छोटे एम का नाम क्या होता है, मोललता, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो बनाया था वो ये था डब्ल्यू बी बटा में वी सॉरी एम बी इंटू वी इंटू क्या लिया था 1000। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या है, आपस में एक दूसरे में आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। छोटे एम का फॉर्मूला डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, बड़े एम का फॉर्मूला डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू वी इंटू 1000। तो देखो इतना सा डिफरेंस है, इतना सा क्या है, डिफरेंस है, बाकी सारा क्या है, सेम चलता है, क्लियर। अब इसका मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें आपको कैसे पूछा जाएगा, तो देखो वहाँ पर वही एग्जांपल अपने दोबारा से बात करते हैं। अगर आपको ये लिखा हुआ मिले कि 1 mNaCl, क्या लिखा हुआ मिले, 1 mNaCl, तो 1 छोटा स्मॉल m है, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल NaCl का घुला हुआ है, और 1 मोल NaCl होता है 58.5 ग्राम
कितना होता है 58.5 ग्राम। अभी 58.5 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम विलायक में घुला हुआ है। किस में घुला हुआ है? 1 किलोग्राम विलायक में घुला हुआ है। ये दोनों में क्या है, फर्क है। और अभी अपने नेक्स्ट जो भी टॉपिक लेक्चर होगा उसमें अपने ये जो चारों टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से डिस्कस किए हैं आप अगर आपको ध्यान है तो, सबसे पहले देखा था द्रव्यमान या भार प्रतिशत, फिर देखा था मोल भिन्न, फिर पढ़ा था मोलरता और फिर पढ़ा है मोललता। तो इन चारों के अपने कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।